तो दोस्तों चल पड़ी है मित्रां दी गड्डी। दोस्तों अभी हम लो गियर में चले हैं, लो गियर में और तीसरे गियर पे। अभी तो दूसरा है, अब हम ए देखिए, ए लग चुका है तीसरा। ये बेस्ट रहेगा आपको चढ़ाई पे, चढ़ाई पे हाई भी है, जहाँ पे फिसलन भरा हो वहाँ पे हाई हाई लगाए। यहाँ देखिए आगे देखिए दोस्तों नजारे। हिमाचल तो दोस्तों अभी जो हम गाना गुनगुना रहे थे ये हमारा एक लोकल गीत है यहाँ का कुल्लू का। दोस्तों हमारा एक छोटा भाई करण ठाकुर आना चाहता था इसी स्नो फॉल में। तो करण भाई सॉरी, हमारा प्लान थोड़ा जल्दी जल्दी में बन गया तो आपको बोल नहीं पाए, क्योंकि उसने मुझे पिछली बार ही कहा था कि स्नो होगी तो मुझे बोलना। सॉरी भाई, अगली बार जब हम कैंपिंग करने आएंगे स्नो में फिर आपको जरूर बोलना। पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी हम, ये देखिए कोटाधार में मंदिर है, ये शमशरी महादेव जी का मंदिर है। शमशरी महादेव जी का मंदिर अनीस राज में है। तो बिकू भाई कर रहे हैं, काफी अच्छे राइडर है ये, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। इतने वर्ग में कम से कम आधा फुट वर्ग में, अभी ज़्यादा नहीं बोल के, तो बाकी तो आगे आगे को तो और भी आगे धूम भी पड़ रही है, तो पता नहीं आगे ज़्यादा ही जाना कहीं। अगर आगे ज़्यादा ही कुछ ऐसा लगा हमारे को कि ज़्यादा ही आगे जाना रिस्की है तो फिर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो तो किसी और दिन भी शूट कर लेंगे। पहले खुद भी चलाने चाहिए तभी तो वीडियो शूट कर पाएंगे, तभी तो दिखा पाएंगे। बिल्कुल, तो ज़्यादा रिस्क तो नहीं हम लेंगे ना अभी, क्योंकि अब दो ही हैं आज आए हुए हम। अगर तो दो चार और भी होते भाई हमारे साथ में, जैसे अभी बताया था आपको करण बोल रहा था आने के लिए हमारे साथ ही अगले वीडियो में, तो उसको ज़रूर लाएंगे अपने साथ दोस्तों, ज़रूर मिल पाएंगे, आपसे भी मिल पाएंगे। बहुत ही अच्छा लड़का है हमारा छोटा भाई, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हम लोग आपको पसंद आएंगे तो वो भी आपको पसंद आ जाएगा, क्यों ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए नज़ारे लीजिए वीडियो के। इतनी स्पीड में स्नोफॉल हो रहा है, लगता है तूफान आ रहा है या कुछ। ये तो तूफान ही है भाई, यहाँ देखो ना, देखो आप देखो खुद देखो, ये सोइल फाट का नजारा है भाई, वो देखो जगह का नाम सोइल बोलते हैं, सोइल फाट मतलब वो जो ये ढलान है इसको फाट बोलते हैं, ऐसा ही ना। देखिए लग रहा होगा आपको पता कैसे स्पीड में आ रही है बर्फ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रुक के हमें थोड़ा ही टाइम हुआ और गाड़ी पे देखिए जम चुकी है, गाड़ी की बर्फ दिख रही है देखो भाई, आपको मेरे हाथ ही दिख रहे हैं। क्यों नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए, ज्यादा देर निकलते आगे बैठते हैं, हाथ पूरे हाथ चलो। विकी भाई को ज़्यादा ठंड हो गई, चलिए बैठिए आगे, एक शूट हम आगे दिखाते हैं गाड़ी में बैठ। देखिए दोस्तों 10 मिनट में ही गाड़ी पर देखिए कितनी बर्फ जम चुकी है। भाई अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो ये हाथ से ही हटानी पड़ेगी, बिकू भाई गए हैं अभी बाहर हाथ से साफ करें बेचारे। देखो ये बर्फ जमना स्टार्ट हो गई है, देखिए ये देखिए इतनी ठंड हो गई है। ओह माय गॉड, पता नहीं कैसे कर रहे हैं भाई, ये तो मेरी तो उंगलियाँ जम गई है भाई ऐसे वीडियो शूट करने के ही, उसमें हाथ ही बुरी हालत हो गई है। हमारे व्यूअर्स को तो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए हाथ की बुरी हालत हो गई है बिकू भाई की। तो अभी हराश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट के पास पहुंचे हैं, विक्की भाई को काफी ज्यादा ठंड लगी है। काइस नाला ये दोस्तों कुछ इस तरह का नजारा है अभी का, यहाँ पे देखो। हाँ चलो कम से कम एक डेढ़ फीट बर्फ है, इतनी तो है भाई जी कम से कम। सुंदर नजारा है आज का,
इस कंडीशन में मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, बाकी तो बहुत बार आया हूँ मैं भी, पर ऐसी बर्फ में, इतनी ज़्यादा बर्फ में पहली बार ही आया हूँ। देखो भाई कैसा लग रहा है बर्फ में ड्राइव करने को, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। ये असली एडवेंचर है, मैं चेन लगा के हमने सही किया क्या हूँ वैसे, नहीं पड़ती है तो इसमें मतलब नहीं था ना, इस तो बिना चेन के तो फोर बाई फोर ने भी क्या करना, ब्रेक पे नहीं मिली। दोस्तों यहाँ पे हम एक रील बनाने की सोच रहे हैं, तो मिलते हैं एक रील बना के। ये दोस्तों रील्स बनाने का कमाल देखिए, चक्कर में पूरे क्या हो गया, ऊपर से इनको ठंड लगी है फिर भी नहीं मान रहे हैं, मजा आ रहा है यहाँ। देखिए कितना अच्छा आज का मौसम है और बढ़िया, देखिए यहाँ पर ये देखिए। दोस्तों अभी तो एक यहीं तक आने का प्लान था हमारा, पर बिकू भाई बोल रहे हैं कि आगे तक जाना, थोड़ा अभी तो दिक्कत भी नहीं आई कोई, फिर ठीक है चलेंगे, चलते रहेंगे फिर आगे तक। तो दोस्तों गाड़ी कर ली हमने यहाँ साइड में खड़ी, क्योंकि हम आगे तक गाड़ी इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि आगे को बर्फ ज़्यादा है। हाँ, तो पहले हम रोड देख के आएंगे, रोड ऐसे ही थोड़ा रेकी कर रहे हैं पैदल ही, थोड़ा पैदल चलने का मजा भी उठाते हैं। बर्फ देखिए, बर्फ स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा ऐसे ही जायजा ले लेते हैं पहले रोड का क्या है कंडीशन आगे की। तो ज़्यादा स्नो में तो भाई बर्फ में, इतनी बर्फ में तो गाड़ी ले जाना बेवकूफ़ी होगी, अगर ज़्यादा एक तो अंधेरा भी हो रहा है, शाम का टाइम है, वापस भी जाना है अभी, रास्ते में कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी हम लोगों को, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, देखिए कोई नहीं है, सिर्फ बिकू भाई और बिकू भाई आपके सिर्फ दो ही है अब, बाकी चलो देखते आगे। तो कुछ ही इस तरह का नज़ारा है दोस्तों आगे का, अगर तो यहाँ पे कोई हमें मिला चौकीदार मिला या कोई, तो फिर तो हम यहीं स्टे करेंगे आज ना, नहीं तो फिर दोस्तों बहुत ही अच्छा स्लोगन है। तो दोस्तों देखते हैं ऊपर ही जाके, ऊपर जाके देखते हैं कोई चौकीदार है रेस्ट हाउस में या नहीं, अगर कोई होगा तो हम आज यहीं पे स्टे करेंगे अगर नहीं, टाइम भी बहुत हो गया, लेट हो गए अब, हाँ वापसी के लिए भी। इतनी लेट हम भी नहीं यहाँ से वापस जाना चाहते। तो देखिए बीकी भाई ताला खुला है, गेट खुला ही है वैसे, मैं भी टोपी अपनी आगे कर लेता, खुला है वैसे तो, ये निशान तो है चलने के, शायद पुराने लग रहे हैं। यहाँ देखते हैं भाई, वाह आज तो मजे ही आ गए, मजे तो आ गए, पर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। चौकीदार साहब भाई चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर भगत राम चौकीदार जी यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, देखिए दोस्तों स्नो भी बहुत ही लग चुकी है फिर से, देखते हैं चौकीदार साहब कहीं ऊपर तो नहीं है, फिर से स्नोफॉल देखो भाई मजा आ गया आज तो वाकई, वाह क्यों बिल्कुल किसी को नजर आ, ये देखो ये दोस्तों किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, ये देखिए ये पहुंच गए हम इस जगह को बोलते हैं माटी कोछड़, और ये माटी कोछड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, स्टे करने के लिए सोचा तो हम दोनों निमिता के यहीं रुकेंगे आज, पर देखो है ही नहीं, हमें वापस घर निकलना पड़ेगा, चलो देखते हैं आगे।
दोस्तों, यहाँ आके हमारे को निराशा याद लगी। वापस जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है, देखो ताज़ा। और दोस्तों पहुँच चुके हम गाड़ी के पास वापस। लॉक तो निकालो बिकू भाई पहले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वापस घर की ओर। स्नोफॉल देखिए दोस्तों, तगड़े वाला स्नोफॉल हो रहा है भाई। दोस्तों जिस तरह से आज स्नोफॉल हो रहा है, लगता है पूरी रात ही होने वाला है। अगर पूरी रात ही होगा तो कल हम शायद फिर से आएंगे। कल फिर से आएंगे फिर भाई। ये हमारी हो रही है दोस्तों घर वापसी। चले हैं दो यार लेके थार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सिंह वादियों में। वापसी हो रही है दोस्तों, पर ऐसा है कि बर्फ़ ना रुकने का नाम ही नहीं दे रही है। वैसे एक हिसाब से ठीक हो नहीं, हम वापस आ गए। बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ना। पिछले वीडियो में तो भाई पूरे सामान के साथ अपना टेंट शेंट बर्तन शर्तन राशन पानी लड़िया त्रड़िया सब कुछ आएगा अपना। ये देखिए दोस्तों, आपको बर्फ के नज़ारे दिखाते हैं, कैसी बर्फबारी हो रही है देखिए। ओके देखिए, जैसे ही हम साफ कर रहे हैं उसी टाइम ये जम रहा है। ब्लेड भी जम गए भाई। बिल्कुल हाँ, तभी मैं सोचिए कुछ हाँ, काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ से काम करने में भाइयों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भी कुआई। बिल्कुल इतने हैवी स्नो में देखिए बाइक लेके पहुंचे हुए थे यहाँ पर। तो ये पहुंच चुके हम दोस्तों फिर से जीरो पॉइंट अपना। दोस्तों हैवी स्नो फॉल। तो अभी हम सेवबाग पहुंच चुके हैं, अलविदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलेंगे इनके साथ कल। और कल और बिकी भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बस भाई अब कल मिलते हैं। अभी तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है, ठंड से पैर पूरे जाम हो गए हैं, हाथ पूरे जाम हो गए हैं। तो शुक्र है कि बिकू भाई ने ये ग्लव्स रखे थे साथ में गाड़ी में एक्स्ट्रा, नहीं तो भाई मेरा तो पता किया होता। ले जाओ इनको पहन के। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये इस गाड़ी में रहने देंगे इनको, बाद में काम आएंगे। आज का तो क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल जी। तो ये था आज का हमारा वीडियो दोस्तों, काफ़ी जोर लग रहा है टाइट होने पीछे। अच्छा, ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल दोस्तों, अपना प्यार हमें बिल्कुल दें, वीडियो को सब्सक्राइब करके। बिल्कुल, तो चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेट भी हो गए 7:30। लेट तो नहीं है पर सर्दियों का मौसम आजकल है। बाकी तो कुछ नहीं दोस्तों, बस हाथ जम चुके हैं, पैर पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। तो ऐसा है कि अब गर्म पानी चाहिए इस टाइम तो, और चाय गर्म। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय बोलिए वीडियो करते हैं।